प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के घटनाक्रम पर बिना समय बर्बाद किए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अपने परिचितों को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी भी जुड़ सकें। आइए पहले घटनाक्रम पर देखते हैं इतिहास में क्या हुआ है आज के दिन। आज 21 दिसंबर है और 1898 में रसायन शास्त्री पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। ये रेडियो एक्टिविटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। रेडियो एक्टिविटी और इस खोज ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आज जो हम देखते हैं एटम बम के बारे में, हाइड्रोजन बम के बारे में, न्यूट्रॉन बम के बारे में, ये तो विनाशकारी चीजें हैं। और अगर हम देखें तो एनर्जी के रूप में जो रिएक्टर्स बनाए गए हैं, ये सभी इसी के परिणाम थे। जब ये इसकी सारी खोजें हुई और हमने इनका अध्ययन किया तो आज बहुत सारी चीजें सकारात्मक दृष्टिकोण से भी आई हैं और कुछ चीजें विध्वंसक भी हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज पहले आज के दिन जो है इन लोगों का रेडियम के विषय में खोज की गई इनके द्वारा, इस विषय पे हमने चर्चा किया। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। 1923 में ब्रिटेन के संरक्षित राज्य के दर्जे से मुक्त होकर नेपाल पूर्ण स्वतंत्र देश बना। संरक्षित राज्य का दर्जा दिया था ब्रिटेन ने, जो क्या हो गया, पूर्ण रूप से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र देश का दर्जा इसको मिल गया। ये है नेपाल। नेपाल में आप जानते हैं पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर है भगवान शिव का। ये आप नेपाल का दृश्य देख रहे हैं। आइए अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। इतिहास में आज के दिन और क्या हुआ, में मेडागास्कर में संविधान लागू हुआ। मेडागास्कर आज के ही दिन संविधान लागू हुआ, ठीक है। इक्कीस दिसंबर 1974 को पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत INS सातवाहन को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। INS सातवाहन, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेड़े में शामिल किया गया, पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले। तो ये पहला पोत है जिसको याद रखिएगा, INS सातवाहन। INS अरिहंत के बारे में हमने आपको बताया ही है। INS अरिहंत भी एक सबमरीन है, एक हमारा उसमें जो चीजें तैनात की गई हैं वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। INS अरिहंत इस समय चर्चा में है, उसको ध्यान रखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की अगली खबर क्या है। दूर संचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष PD बाघेला ने कहा कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके ट्राई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, PD बाघेला, नाम याद रखिएगा। भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। इसे इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। सेटकॉम पर ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम शिखर सम्मेलन में बोलते हुए बघेला ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जल्द ही विभिन्न मंत्रालयों, सूचना और प्रसारण, अंतरिक्ष तथा दूरसंचार से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जरूरी अनुमतियों को आसान बनाने के लिए सिफारिश करेगा। तो देखिए, ये ट्राई के अध्यक्ष हैं,
कौन है इनका नाम? इनका नाम ध्यान रखिएगा टी डी बाघेला, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा पहला देश है, हम लोग फर्स्ट कंट्री हैं किस क्षेत्र में, कि हम जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम की नीलामी। ये बहुत बड़ी बात है और इस क्षेत्र में इतनी बड़ी उल्लेखनीय प्रगति निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण को बताती है। याद रखिएगा इन प्रश्नों को, इन बातों को। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अगली घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। अगली घटनाक्रम क्या कहती है? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार का मूल्य इस वर्ष एक नए रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो लगभग 12% बढ़कर अनुमानित $32 ट्रिलियन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास एजेंसी ने कहा कि इस वर्ष वैश्विक व्यापार लगभग $32 ट्रिलियन के बराबर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, इस वर्ष वैश्विक व्यापार लगभग $32 ट्रिलियन के बराबर होने जा रहा है। ये बात किसने कही है? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ की एक रिपोर्ट ने क्या कहा है। यूएनओ की रिपोर्ट है जो वो क्या करती है, 32 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रही है। ये होने जा रहा है इस वर्ष वैश्विक व्यापार। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों को कनेक्ट करके हम लोग पूरे क्वेश्चन को तैयार करते हैं और उन सब सारी चीजों को समझते हैं। एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% पर अपरिवर्तित रखा है। हालांकि उसका अनुमान है कि एशिया की वृद्धि की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ कमजोर रहने वाली है। एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का जो अनुमान जताया है वह सितंबर के अनुमान के समान ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो एशियाई विकास बैंक, ये एडीबी, इसने 2022 और 23 की रिपोर्ट के बारे में क्या कहा है कि 7%, 7%, ये जो 7% जो स्थिति आ रही है इसकी बात कही जा रही है कि ये अपरिवर्तित रखता है। उसके हिसाब से हमारी जो आर्थिक वृद्धि है उसका अनुमान 7% है। इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। 7%, 7% की बात कही गई है। आइए अगले घटनाक्रम पर ध्यान देते हैं। सारे विद्यार्थियों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तैराकी में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो तैराकी में इनका नाम आया है चाहत अरोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इन्होंने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर में ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये एक शब्द होता है तैराकी का, ध्यान रखिएगा तैराकी का एक तरीका है। ये पूछा गया परीक्षा प्रश्न है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक किसे कहते हैं, किससे जुड़ा हुआ है, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जुड़ा हुआ है किससे, तैराकी से। तो इसमें 100 मीटर में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और ये चाहत अरोड़ा का नाम तैराकी के फील्ड में, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, मेलबर्न कहां, ऑस्ट्रेलिया, और क्या याद रखना है, 100 मीटर, इतने पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले जा रहे टेस्ट मैच में जो रूट ने व्यक्तिगत तौर पर नायाब उपलब्धि हासिल की है। पाकिस्तान की दूसरी पारी में उन्होंने जैसे ही फहीम अशरफ को आउट किया तो उनका नाम खास क्लब में शामिल हो गया। जो रूट दुनिया के तीसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 से ज्यादा रन और 50 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। जो रूट पाकिस्तान की दूसरी पारी का
सत्तरवां ओवर फेंकने आए। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो बीच मुल्तान में जो हुआ है मैच, टेस्ट मैच, संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि जो रूट ने व्यक्तिगत तौर पर नायाब उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने फहीम अशरफ को आउट किया है, और इसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है कि वो दुनिया के तीसरे क्रिकेटर हो गए हैं, थर्ड, जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाए हैं और 50 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि 10,000 रन का जो क्लब है उसमें शामिल हो गए हैं, इनका नाम है जो रूट। आइए भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और तत्काल मानवीय मदद की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा की पहल पर आयोजित किया गया है। इसे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वर्चुअली संबोधित करेंगे। फ्रांसीसी दूतावास ने कहा कि हमारा मकसद यूक्रेन को बिजली आपूर्ति, चिकित्सा देखभाल और सर्दियों की शुरुआत में बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरतें पूरी करना है। सम्मेलन में 47 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो भारत में फ्रांसीसी दूतावास, ध्यान दीजिएगा, भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन के संदर्भ में इन बातों के बारे में चर्चा हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जिसमें जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं इस सम्मेलन को, और साथ ही साथ जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के वो भी इसमें संबोधित करेंगे। तो ये ढेर सारी बातें हैं। अब देखिए इंडिया और रशिया के संबंधों को ध्यान में रखते हुए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारे कूटनीतिक रिश्तों की तरफ भी इशारा करती है। इसमें इतने भाग लेंगे देश और ये एक तत्कालीन मदद के उद्देश्य से किया जा रहा है, क्योंकि हमारा दायित्व है कि अगर युद्ध हो रहा है तब भी जो लोग उसमें हैं उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व है वो है मानव, और मानव के हित के लिए सभी कार्य जरूर होने चाहिए। देशों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, युद्ध होते रहते हैं, सीमाएं परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन मानव के जीवन में जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसे किसी प्रकार से संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। ये सारी बातें बिजली आपूर्ति, चिकित्सा देखभाल, ये सब के बारे में इसीलिए कहा गया। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। AIRBNB ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गोवा की विशाल सांस्कृतिक विविधता के सप्ताह भर चलने वाले उत्सव रीडिस्कवर गोवा के आधिकारिक लॉन्च के मौके पर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चलने वाला साप्ताहिक चलने वाला उत्सव है जिसका नाम है रीडिस्कवर गोवा, उसके संदर्भ में समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं और AIRBNB साइन। ये ध्यान रखिएगा पर्यटन के क्षेत्र में कार्य है। गोवा में पर्यटन एक बहुत बड़ा विषय है, आर्थिक आय का एक बड़ा कारण भी है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। आठवीं खबर क्या है, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता प्राप्त की है, सफलता की है, जिसकी बारे में कहा कि जो असीमित स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। परमाणु संलयन में यह सफलता असीमित स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है और इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है। जो अमेरिकी शोधकर्ता है उन्होंने जो है परमाणु संलयन इसका मतलब होता है दो से अधिक नाभिकों का मिलना। ये जब दो से अधिक नाभिक मिलते हैं तो एक अपार ऊर्जा, बहुत बड़े लेवल पर ऊर्जा
निकलती है, ठीक है, ये संलयन है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है विखंडन, ये भी ध्यान रखना है। जब कोई नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है इसे कहते हैं विखंडन। यहाँ जुड़ना है, वहां टूटना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो सूर्य की ऊर्जा है, सन रेज है, जो सन से ऊर्जा आती है वो नाभिकीय संलयन है। जो हाइड्रोजन बम है ये भी नाभिकीय संलयन है। जो परमाणु बम है, जो एटम बम है, ये जो है आपका नाभिकीय विखंडन है। इस तरह से ध्यान देना है, दोनों में ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी जो निर्भरता है इस समय, जीवाश्म ईंधन, ये निर्भरता भी हमारी खत्म हो जाएगी और हम एक स्वच्छ जो है असीमित ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा कदम है, सकारात्मक कदम है। आइए, स्पाइस जेट को GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। स्पाइस जेट आप जानते हो कि स्पाइस जेट एक विमान की कंपनी है और जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ से वहां जाते हैं। स्पाइस जेट है, गो एयर है ना, आपने देखा होगा, इंडिगो है और विस्तारा तो अब अलग चली गई। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं जो लोगों को लाने ले जाने का काम करती हैं। तो स्पाइस जेट कंपनी के बारे में क्या बात कही जा रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। एयरलाइंस ने कहा कि यह अवार्ड सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस में उनके टॉप परफॉर्मर होने और ग्राउंड सेफ्टी उल्लंघनों में बहुत ज्यादा कमी लाने के चलते दिया गया है। स्पाइस जेट के अनुसार यह सफलता उसने लगातार अपनी क्वालिटी बेहतर करके इनोवेशन और कड़ी मेहनत की बदौलत हासिल की है। तो ये ध्यान रखिएगा, परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, स्पाइस जेट इस कंपनी को मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। दसवीं खबर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने टेनिस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का खिताब जीत लिया है। यह लगातार दूसरी बार है जब हैदराबाद ने इस लीग का खिताब जीता है। इस लीग का पहला सेमीफाइनल मैच पाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स और चेन्नई स्टालियंस के बीच खेला गया था। तो आपको देखना है, नाम याद करना है, पाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीत लिया है टेनिस का खिताब। आइए सारे विद्यार्थियों, अब आपके सामने आने वाले हैं 10 क्वेश्चन, इनका जवाब आप देने की कोशिश करिए। अगर आपको बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रयास करिए। आप अगर प्रयास करते हैं तो प्रयास में भी गलत सही दो भी चीजें हो सकती है। जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे किसी परीक्षण में बैठना, अपियर होना, तो अपियर होंगे तो पास और फेल हो सकता है, लेकिन फॉर्म ही नहीं भरेंगे तब कुछ नहीं हो सकता है। पहले से ही क्लियर है कि कोई एक भी % संभावना सफलता की है ही नहीं, लेकिन अगर अपियर होंगे तो सफलता और असफलता में से एक चुनना होगा हमें। इसलिए कोशिश करिए कि आप कुछ ना कुछ उत्तर जरूर दें और उसको सोचें, समझें और सीखें कि क्या बेस्ट आंसर हो सकता है। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्याभ्यास का 16वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए 15 से 28 दिसंबर, ऑप्शन बी 16 से 28 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 से 29 दिसंबर और ऑप्शन डी 17 से 30 दिसंबर। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 16 से 29 दिसंबर, याद रखना है 16 से 29 दिसंबर, ठीक है। भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह नेपाल आर्मी बैटल स्कूल
सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। श्री भवानी वक्त बटालियन ने नेपाली सेना के जवान अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचाली संचालन नीयता को बढ़ावा देना है। तो ये देखिए कहाँ हो रहा है, भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास का 16वां संस्करण हो रहा है 16 से 29 दिसंबर को। और कहाँ हो रहा है, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी इस जगह पर हो रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन नीयता को बढ़ावा देना, यानी अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनमें एक दूसरे की मदद करना, ये है आपका उद्देश्य। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं फटाफट। चलिए, हाल ही में कोलकाता में 15 से 22 दिसंबर 2022 तक कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? ठीक है, ये 15 से 22 में कोलकाता में क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आयोजन हुआ, बताइए इसमें कौन सा संस्करण है, 24वां, 28वां, 27वां और 30वां। अरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 28वां संस्करण, 28। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 28वां संस्करण शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा आयोजित कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 28वां संस्करण 15 से 22 दिसंबर 2022 के बीच कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक आप बनता है कि कब से हुई थी, तो 1995 से हुई थी। 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने उद्घाटन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किया। तो जो अपने फिल्म इंडस्ट्री के मिलेनियम स्टार हैं अमिताभ बच्चन जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 1995 से शुरुआत हुआ है, 28वां संस्करण था और 15 से 22 दिसंबर 2022 तक हुआ है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न हो गया है, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है इसने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात की है। अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी, फटाक से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। अपना हम सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम बेचेंगे यानी इसकी नीलामी करेंगे, इसका आंसर है इंडिया, यानी भारत जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ट्राई के अध्यक्ष पीडी बाघेला नाम अभी देखा। चलिए, भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला देश होगा। इससे इस सेक्टर में निवेश के दरवाजे खुलेंगे। इस ऑक्शन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना है, जिससे इसके विकास को गति मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है इस ऑप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य यही है। चलिए, अच्छा प्रश्न एक और आ गया आपके पास। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है?
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सारे विद्यार्थियों, जो ये योजना है ये की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये इसका आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना का नया नाम दिया है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना रखा गया है। इस योजना को 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है 50% जनजाति आबादी वाले गांवों को आदर्श गांव में बदलना। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है। लक्ष्य क्या है? 50% जनजाति आबादी वाले गांवों को आदर्श गांव में बदलना, यानी सभी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड, इसको फुलफिल पूरा किया जा सके। ठीक है, ये उद्देश्य है। ये एक नई योजना है जो 2021-22 से 2025-26 के बीच चलेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया? सामाजिक स्टार्टअप अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन ए SDFC, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी BOI। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और SDFC। सारे विद्यार्थियों, आंसर भी आपके सामने दिख रहा है। हम जान के ऐसे कुछ चित्रों को दिखाते रहते हैं ताकि आपके दिमाग में फीड अप हो जाए कि नहीं नहीं ये चीजें SDFC का रोल है इसमें। ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर है SDFC, बिल्कुल याद रखना है SDFC। यह कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में शुरू हुआ। कार्यक्रम को परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की पहचान करना। इस साल बैंक का फोकस इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप की क्षमता निर्माण और शहरों में काम करने पर भी होगा। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि टीयर वन और टीयर टू की बात हो रही है, कि टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में काम करने की बात पर कहा जा रहा है। तो ये क्या है? सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में काम करने की बात हो रही है और इसमें SDFC की भूमिका काफी बड़ी है, उसको याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपके पास आ गया है, हर हाल में आने की उम्मीद है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? UNO ने क्या किया है? ध्यान दीजिए, पहल को 10 टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है। ऑप्शन ए हर घर जल योजना, ऑप्शन बी नमामि गंगे, ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नमामि गंगे। ये नमामि गंगे आंसर याद रखिएगा। ये गंगा पर आधारित है, गंगा का फिर से कैसे हम इसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, कैसे प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, प्रदूषण मुक्त, इन्हीं उद्देश्यों के लिए है इसे स्थान मिला है।
भारत के नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है ये यूएनईपी है के बारे में अक्सर चर्चा करता रहता हूँ। ये केन्या नैरोबी में है इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इसकी शुरुआत, और इसका उद्देश्य क्या था, प्रदूषण को कम करना और पुनर्जीवित करना। इसको जो है यूनाइटेड नेशन यूएनओ के यूएनईपी और FAO इन ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप 10 में रखा है, इनको ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छा प्रश्न आपके लिए हो सकता है, परीक्षा में मिलने की उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर 55 था। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 2000 से 3000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2000 से 2500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4000 से 4500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5000 से 5500 किलोमीटर। सारे विद्यार्थी, उसका सही आंसर है 5000 से 5500 किलोमीटर। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह कार्य कर रही है, और ये जो है बहुत बड़ी क्षमता है, एक महाद्वीप से हम दूसरे महाद्वीप पर अटैक कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से भारत को बहुत सशक्त करती है, भारत को बहुत स्ट्रेंथन करने वाली योजना है, और इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत को बहुत बड़ी मजबूती मिली है, और हम इससे अपने आस पास के तमाम देशों तक पहुँच को बढ़ा सकते हैं, और असुरक्षा की स्थिति में अपनी सुरक्षा की भावना को बढ़ा सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 5000 से 5500 अग्नि 5 आ जाए तो 5 से 5 का मतलब 5000, ये याद रखना है, तो स्टार्टिंग रेंज रखिएगा, ठीक है। भारत ने लंबी दूरी की सतह से सतह सरफेस टू सरफेस S2M मार करने वाले सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, देखिए मिसाइल मैन का नाम आ गया, इनको हम कहते हैं क्या, मिसाइल मैन। और अगर मिसाइल वुमेन की बात करें तो कौन आ जाती हैं, पैसी थॉमस। तो ये आपका APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। अग्नि 5 विभिन्न नई तकनीकी और हाई एक्यूरेसी के साथ लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट कर सकती है, तो इसे ध्यान रखना है। अग्नि 5 के संदर्भ में क्वेश्चन बनेगा तो आपको तैयार रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नोयार नदी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए केंद्र को कितने महीने का समय दिया है? पेन्नोयार नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, एक ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए बात कही गई है, केंद्र सरकार को कितने महीने का समय दिया है, कितने महीने के अंदर ही न्यायाधिकरण बन जाए? ऑप्शन ए 2 महीना, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 5 महीने, ऑप्शन डी 6 महीने। अरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या है, ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर है 3 महीना, 3 मंथ, 3 महीना। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद को हल करने के लिए 3 महीने के भीतर पेन्नोयार नदी न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने यह आदेश दिया।
तमिलनाडु ने मार्कंडे नाधी नदी पर जलाशय बनाने के लिए कर्नाटक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तो ध्यान देना है यहाँ पर क्या बात है, ये विवाद किन देशों किन राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, किस विषय पर है, पानी के बंटवारे के लिए है, और कितने सौ महीने का समय मिला है, 3 महीने का समय मिला है, नदी कौन सी है, पेन्नयार नदी है, ये सारी बातें याद रखिएगा। और जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रवि कुमार की बेंच ने आदेश दिया है, ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु ने मार्कंडे नाधी नदी, ध्यान रखिएगा, मार्कंडे मार्कंडे नाधी नदी, इसके जलाशय बनाने के लिए कर्नाटक पर क्या किया था, मामला दर्ज किया था। तो इतनी बातों को याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फटाफट 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ ट्रिब्यूनल बनाए, ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, आपको आप बता ही देंगे। अब मुझे लगता है इसको देखते ही आपके मन में उत्तर आ गया होगा, फटाफट जवाब दीजिए। आज ही चर्चा हुई है, हाल ही में किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी की बात हो रही है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए प्रतिमा सिंह, ऑप्शन बी ऋचा जोशी, ऑप्शन सी चाहत अरोड़ा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए उनका फोटो भी आ गया आपके सामने, प्यारे विद्यार्थियों, इनका नाम है चाहत अरोड़ा, नाम याद रखिएगा, चाहत अरोड़ा याद रखिएगा। चाहत अरोड़ा की चाहत थी कि हम 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रिकॉर्ड बनाएं, और उन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया। तैराकी में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान दीजिएगा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। फिना अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ है। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस 1 मिनट 13.13 सेकेंड में पूरी की है। देखिए कितने मीटर, 100 मीटर, और कहां पर हुआ आयोजन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। चाहत अरोड़ा जी का नाम याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसका भी जवाब दे दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में आने लायक है पूरी तरह से। कौन सा देश इराक को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? इराक को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। फटाफट जवाब दीजिए सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है रसिया, यानी रूस, ये सही आंसर है। आपने देखा होगा यूक्रेन और रसिया के बीच जब लड़ाई चल रही थी, उस दौरान विश्व के तमाम देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, और इसी दौरान ये भी प्रतिबंध था कि कोई तेल नहीं लेगा, लेकिन भारत अपने पारस्परिक संबंधों को चलते हुए उसने तेल लिया और आज सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इराक को पीछे छोड़ रूस भारत का अब सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि रूस से भारत का तेल आयात नवंबर में 5वें महीने बढ़कर 9,08,000 बैरल तक दिन हो गया। अक्टूबर की तुलना में यह 4% अधिक है। 7 देशों के समूह ऑस्ट्रेलिया और 27 यूरोपीय संघ के देशों ने रूसी समुद्री तेल पर $60 प्रति बैरल की कीमत की सीमा लगा दी। ध्यान दीजिएगा, क्या किया लोगों ने, इस पर जो है एक सीमा लगा दी, $60 प्रति बैरल की सीमा लगा दी, ठीक है ना। ऐसे में भारत ने दूध दूध के तेल को लिया है, और उसकी वजह से हम जो है सबसे बड़े
आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस को देख रहे हैं। तो एक अच्छा प्रश्न है जिसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनके बारे में मैंने आपसे बात की है। इन प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन 10 प्रश्नों के साथ आपके से मिलने आता हूँ और मेरा उद्देश्य होता है कि प्रतिदिन की घटनाएं, हो सकता है इसमें सभी घटनाएं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना है, तैयारी में रखना है। उनसे जुड़ी हुई PDF के लिए आप मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी ढेर सारी चीजें आपको missioninstituteprayagraj.com हमारी वेबसाइट जो है उस पर भी मिलने जा रही है, वहां भी आप ढेर सारी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। सारे विद्यार्थियों, मेरा प्रयास है कि आप जिस भी परीक्षा में बैठ रहे हो, करंट आपका कहीं से न रुके, कहीं से न कोई चीज छूटे, चाहे जिस लेवल की परीक्षा हो। बहुत जल्दी आपके सामने RO का भी फॉर्म आने जा रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ी परीक्षा होगी और ग्रेजुएट लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेंस होता है, GS और हिंदी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो तैयारी बनाए रखिए। हम आपके साथ हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम आपको सार्थकता से जुड़ी हुई सारी बातें आप तक पहुंचा सकें। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए, हमें भी बताइए कि हमारी बातें जो आप तक जा रही हैं वो किस स्तर पर आपके लिए लाभदायक हैं, कहाँ पर कोई अगर कमी महसूस होती है तो वो भी बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम आपके जीवन में कुछ सफलता में सहयोग कर सकें, यही इसी उद्देश्य से इस कार्य को संपादित किया जा रहा है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, अकुशल रखे, पारिवारिक स्थितियां सकुशल रहें ताकि जीवन पथ पर आप आगे बढ़ सकें। जय हिंद।